नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसने पिछले 24 घंटे में जिसने हिंदुस्तान की मीडिया में तहलका मचा दिया। एक खबर अच्छी है, एक खबर बुरी है। कॉरपोरेट वॉर इस वक्त दुनिया में छिड़ा हुआ है, वही कॉरपोरेट वॉर इस वक्त हिंदुस्तान के दरवाजे पर भी आ पहुंचा है। खबर अडानी से जुड़ी है। हिंडनबर्ग का जो जनवरी में 2023 में रिपोर्ट आया था, मार्केट क्रैश कर दिया था, हालांकि उसके 1.5 साल के भीतर ही अडानी ने वो सब कुछ रिकवर कर लिया। उसके बाद एक और सेबी को लेकर आरोप लगाए गए, उसके बाद एक बार फिर से स्विस बैंक को लेकर अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए, तो वहीं से एक और रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें अडानी को ही टॉप रिचेस्ट की लिस्ट में शामिल किया गया। जो सबसे ज्यादा तेजी से उभर रहे हैं व्यापारी, उनमें दुनिया भर में शामिल किया गया। तो क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरी खबर है, समझेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी से। सर, पूरा मामला क्या है? सबसे पहले इसके तीन हिस्से। पहली खबर क्या है? जी, खबर यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने कल एक और ट्वीट किया रात को 9:53 पर, और उस ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया है जी कि स्विस बैंक में अडानी के $310 मिलियन फ्रीज किए गए हैं स्विस ऑथोरिटीज द्वारा, जो कि स्विस के अलग अलग खातों में अलग अलग नाम से जमा थे। और फिर उसका बाद अडानी का क्लेरिफिकेशन आया कि हमारे पर तो कोई मामला ही नहीं चल रहा है, स्विस किसी भी कोर्ट में, विदेश के किसी भी कोर्ट में इस तरह के कोई मामले नहीं चल रहे हैं। उसके बाद जिस देश के जिस शहर से हिंडनबर्ग रिसर्च काम करता है उसी शहर से एक टाइम्स मैगजीन निकलती है, और टाइम्स मैगजीन ने कल दुनिया के बड़े उद्योगपतियों की एक रैंकिंग जारी की है कंपनीज की, और उसमें अडानी ग्रुप का भी नाम है और भारत के 3-4 कंपनियों का नाम है, जिसमें इंफोसिस है, रिलायंस है और HCL वगैरह है। अब यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा कि आखिर बार बार हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी को पर्टिकुलरली टारगेट क्यों कर रहा है। बिल्कुल, और पहली बार जब टारगेट किया था हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी को, तो 60% तक शेयर क्रैश हुए थे और उसके बाद फिर रिकवर कर लिया जैसा आपने बताया। उसके बाद जब दूसरी रिपोर्ट आई, फिर माधवी बुश के बारे में रिपोर्ट आई, से भी फर्क नहीं पड़ा भारत की शेयर। धीरे धीरे समझने लगे लोग ना यहाँ पे, और अब कह रहे हैं कि स्विस बैंक में के अलग अलग नाम से अडानी के खाते थे जो कि वहां के ऑथोरिटीज ने ये किए, और वो स्विस लैंग्वेज में है वो, इसलिए मैं समझ नहीं सका कि वो क्या रिपोर्ट, मतलब उन्होंने PDF लगाया है। लेकिन सबके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के 24 घंटे के अंदर टाइम्स में अडानी की तारीफ, और ये कहना कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन में, ग्रोथ में, सैलरी स्ट्रक्चर में अडानी दुनिया की बेस्ट कंपनियों में से एक है, टॉप 10 में शामिल है ये है। अब मैं बता रहा हूं कि ये सारा कहानी क्या है। सारा कहानी है कॉरपोरेट वॉर का। मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, पिछले 5 से 10 साल में आपने भारत में विपक्ष कि जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें कभी किसी विदेशी कंपनी को टारगेट करते सुना है क्या? राहुल गांधी किसी मल्टीनेशनल विदेशी कंपनी को कभी टारगेट कर रहे हो? नहीं। कभी किसी कम्युनिस्ट नेता ने किसी विदेशी बिजनेसमैन या विदेशी कंपनी को टारगेट किया है? नहीं। कभी ये कहा है कि पेप्सिको में ये खराबी है, यूनिलीवर में ये खराबी है, नेस्ले ये ऐसा काम कर रहा है, वो सब कुछ नहीं। उनके निशाने पर कौन है? भारत के उभरते हुए बिजनेसमैन जो दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। वो अडानी को गाली देंगे, वो अंबानी को गाली देंगे, वो पतंजलि को गाली देंगे, यहां तक कि किसी कुछ वक्त समय पहले तक टाटा बिरला को भी गाली देते। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कभी भी विदेशी आकाओं को टारगेट नहीं किया। इसे हम कहते हैं कॉरपोरेट डीप एसेट जी, जो कि विदेशी कॉरपोरेट्स ने हमारे देश में तैयार किए हैं। हो क्या रहा है, खास करके मोदी सरकार के आने के बाद, डिफेंस सेक्टर, हम सबसे बड़े इंपोर्टर थे, आर्म्स परचेजर थे, सो अब हम एक्सपोर्टर हो गए। 53,000 करोड़ का हमने आर्म्स बेचा। हाँ। तो जो हमें आर्म्स बेचते थे वो दुखी कि जिस देश को बेचते। उसके बाद फार्मा ग्रुप, फार्मा लॉबी दुनिया की बहुत मजबूत लॉबी मानी जाती है, डिफेंस लॉबी, फार्मा लॉबी। अब क्या होता है कि भारत कोविड का इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट किया, पेंडेमिक क्रिएट किया, अब वो क्या करते हैं कि वो दवाएं बनाते बेचते मुमांगे कीमत पे, क्राइसिस था, लोग खरीदते, मरता क्या ना करता। लेकिन भारत में कैसी सरकार है जिसने वैक्सीन बनाया, फ्री में सबको लगा दिया और दुनिया के 80 देशों को भेज दिया। अब बताइए जिनको घाटा लगा वो क्या करेंगे।
तीसरी सबसे स्ट्रांग लॉबी है ऑयल लॉबी। तेल, वहां भी भारत ने क्या किया कि तुम तुम्हारे कहने के अनुसार नहीं चलेंगे, हमें जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीद लेंगे, वहां से खरीदेंगे वो दुश्मन। हाँ। अब उन्होंने क्या किया कि भारत में अपने एजेंट्स छोड़े हैं, ये नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए कि भारत का जो बिजनेसमैन जो राइज करता है तो चोर है जी, जो विदेशी आते हैं वो बढ़िया है, वो क्वालिटी अच्छा देते हैं, भारत में जो भी कर रहा है। अब हो क्या रहा है, देखिए भारत के जो बिजनेसमैन है दे आर थिंकिंग ग्लोबल, वो टॉप 10 में है दुनिया के कंपनी में। एक तबका ऐसा है जो हर बार आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि जो विदेशी है वो अच्छा है, जो अपने देश में निर्माण हो रहा है, अपना देश का जो बिजनेसमैन राइज कर रहा है वो करप्ट है, वो बेईमान है, वो आपका खून चूस रहा है, इस तरह का नैरेटिव बनाएंगे। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं, आज की दुनिया में ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर ट्रेड एंड कॉमर्स से डिसाइड हो रहा है। जिसका जितना ज्यादा व्यापार उसका उतना ज्यादा माइट, मतलब ताकत। आज अगर अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट आएगा तो अपने साथ राजनयिक को तो लेके आएगा, पर साथ में अपने साथ कंपनियों के बड़े बड़े सीईओज को भी लेके आएगा। अगर मोदी यहां से अमेरिका जाएंगे तो वो हो सकता है कमला हैरिस, जो बिडेन या ट्रंप से मुलाकात तो करेंगे, लेकिन वो फेसबुक के हेडक्वार्टर में जाएंगे, वो जो गूगल का जो सुंदर पिचाई है उससे मुलाकात करेंगे, टेस्ला में वो टेस्ला में जाएंगे, इस तरह जाएंगे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। और जिस देश का जितना ज्यादा पावरफुल कॉरपोरेट जो कि दूसरे देश में दखल रख सके, उस देश के साथ आपके संबंध उतने बेहतर। एक साधारण सा उदाहरण मैं बताता हूं, आज बांग्लादेश बड़ा फुदक रहा था, अडानी ने एक लाइन में कहा कि भैया क्रांति बाद में कर लेना, हमारे बिजली का कुछ बिल बकाया है तुम्हारे यहाँ, पहले वो हमें दे दो, 3,000 करोड़ का है दे दो। तो बांग्लादेश वाला की हो जाए तो सॉरी कच्ची, हम तो भाई कैसे सर्वाइव करेंगे। ये होता है कॉरपोरेट माइट, कि देशों को अपनी नीति बदलने को मजबूर कर सके। आज भारत सरकार चाइना या अमेरिका से कमतर क्यों मानी जाती है, इसलिए नहीं कि हमारे पास फाइटर प्लेन कम है, इसलिए कि एक के पास क्या है, फेसबुक है, एक के पास ट्विटर है, एक के पास टेस्ला जैसी कंपनी है, गूगल है, उनका माइट ज्यादा है, वो किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करके वहां के नैरेटिव को बदल सकते हैं। अरब में स्प्रिंग रिवॉल्यूशन ला दिया ना, तहरीर स्क्वायर पे लाखों लोगों को खड़ा कर दिया एक अकेले फेसबुक ने, और हुस्ने मुबारक का तख्ता पलट कर दिया, वो कॉरपोरेट माइट था। ग्लोबलिस्ट, मैं इन शब्द का बार बार इस्तेमाल करता हूं, ग्लोबलिस्ट उन कंपनियों को कहते हैं जो कि आपके सामने चेहरे नहीं होते लेकिन गेम सारा वो करते हैं। ये रॉकफेलर टाइप के लोग, रॉकफेलर फाउंडेशन चला के, या फिर अभी तो बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, या ये सब कंपनियों के नाम है या कॉर्पोरेट्स के नाम है। ये दुनिया का, मतलब बोलते हैं ना, नैरेटिव बदलने की क्षमता रखते हैं। अब भारत में वैसी कंपनियां निकल रही हैं जो कि दुनिया का नैरेटिव डिसाइड कर रही हैं। उसमें अंबानी भी हैं, उसमें अडानी भी हैं, उसमें इंफोसिस जैसी कंपनी है, उसमें विप्रो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कई गरीब देशों को कर्जा दे रखा है। अब वो गरीब देश आंख थोड़ी ना दिखाएगा कि जिसे कर्जा ले। ये होती है ताकत, और इस ताकत को बढ़ते हुए देख के जो विदेशियों के डीप एजेंट्स हैं, डीप स्टेट्स, यहाँ डीप स्टेट्स, हाँ, वो हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, अडानी चोर है, अंबानी चोर है, ये है वो है, अच्छा ये चोर है, और वो जो रूपक मर्डोक से पैसे ले लेके चैनल चला रहे थे वो बड़ा बढ़िया था, किस कंपनी में, इनका रोना किस बात का है पता है, कि एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया, पर ये कभी नहीं बताएंगे कि स्टार न्यूज नेटवर्क था जिसको रूपक मर्डोक खरीद लिया, उस बात को छुपा जाते हैं ये, वही बताते हैं ना, सिलेक्टिव राजनीति। हाँ, सिलेक्टिव करते हैं, और ये हर चीज जो भारत अचीव कर रहा है उसके खिलाफ है। भारत ने राफेल क्यों खरीद लिया, हाय 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 हाय, वो अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में माइंस क्यों खरीद लिए, हाय 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 हाय, रिलायंस ने चाइना से पहले 5G का नेटवर्क कैसे बिछा दिया भारत में, ये हक तो चाइना की कंपनी को था यहां बिछाने का, कमीशन मिलता, पर हाय 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 मर गया, हाय बर्बाद हो गए। ये कुछ रुदाली हैं जो रोते रहेंगे, इनको रोने दीजिए, भारत बढ़ रहा है, भारत का माइट बढ़ रहा है, आज अमेरिका सुन रहा है क्योंकि भारत बाजार भी है, और भारतीय कंपनियां और भारतीय लोग वहां भी सक्सेसफुल है, सिलिकॉन वैली वहां भी। आज चाइनीज डरे हुए हैं, भारत को राइवल मानते हैं, क्योंकि चाइना की कंपनियां अगर बिलियनेयर कोई कंपनी है तो भारत की भी है, बिल्कुल, और तब जब बात होगी तो इक्वल टर्म से बात होगी। जो ट्रेड एंड कॉमर्स की जो बात है, मैं बार बार एक चीज बात बोलता हूं, आज की फॉरेन पॉलिसी मोर और लेस ट्रेड एंड कॉमर्स है, किसके साथ कौन कितना डील कर रहा है, इसी पे सब कुछ। यही कारण है कि चाइना के बजाय भारत की तरफ ज्यादा
कॉर्पोरेट देख रहा है। देखिए आज की तारीख में तीन देश हैं जो दुनिया डिसाइड कर रहे हैं, अमेरिका एक, चाइना दूसरा, इंडिया तीसरा, तीनों तीन धड़े हैं। रशिया वगैरह मिलिट्री माइट है पर उसका जो एकाधिकार था ना धीरे धीरे इसलिए कम हुआ क्योंकि वहां उसने कभी भी अपने यहां उस तरह के कॉर्पोरेट्स को फलने फूलने नहीं दिया और इसलिए आज वो मुश्किल में है। आज कोई चाइना पे क्यों नहीं हमला कर लेता, पता चला कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। आज भारत को क्यों नहीं छोड़ सकता, पता है कि दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा, कई लोग भूखे मरने लगेंगे। अच्छा आपने रूस की बात की, जिस तरह यूएसएसआर का विघटन हुआ, रशिया कमजोर हुआ, उस तरीके का एक नैरेटिव इस वक्त हिंदुस्तान में भी है, कॉर्पोरेट से जोड़ के कोशिश है। वो भारत में हर उस बिजनेसमैन को टारगेट करेंगे जो कि आगे बढ़ रहा है, जिसका दुनिया भर में नाम हो रहा है, हर किसी को टारगेट करेंगे। वो पतंजलि को टारगेट करेंगे, वो रिलायंस को टारगेट करेंगे, मतलब मुकेश अंबानी को बोलेंगे, वो अडानी को बोलेंगे, वो सबको बोलेंगे। जो ज्यादा बढ़ रहा है उसको बोलेंगे क्योंकि वो उनके एसेट क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा आपको क्या लगता है कि बाहर जाकर राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि चाइना की कंपनियां बड़ा अच्छा कर रही हैं, भारत की उतनी अच्छी नहीं है, मकसद क्या हो सकता है? संदेश तो कुछ होगा। संदेश यही है कि वो चाइना के लिए बैटिंग कर रहे हैं वहां पे, कि इंडिया में हालात बहुत खराब हैं, वहां ना कोई पगड़ी पहन पा रहा है ना कोई कड़ा पहन पा रहा है, मणिपुर में मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, वहां कोलाहल है, इन्वेस्ट मत करो। पैसे लगाने तो उस जगह पे लगाओ जहां पे शांति है। देखो चाइना में बहुत फायदा होगा, भारत में पैसे मत लगाओ। अब बताइए किसकी तरफ से बैटिंग है, किया कि नहीं किया? बिल्कुल। वो दुनिया भर में जा जाकर ये क्या यूरोप में घूम के जहां के इन्वेस्टर सब ज्यादा दुनिया फैले, वो क्या कह रहा है कि भारत में बहुत खराब हालत है, भारत की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, भारत बस क्रैश करने वाला है, भारत में ये है वो है, नॉर्थ साउथ का झगड़ा है, कास्ट है, ये सब कर रहे हैं। जो भारत का राइवल है वहां पे इन्वेस्ट करो। बिल्कुल पंकज जी, अगर मैं यही लड़ाई है ना, ये डीप एसेट किसका है, ये किसका है, जोर शोरों और डीप स्टेट पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अब अडानी भी धीरे धीरे वहां पहुंच चुके हैं, उस लिस्ट में हैं। तो एक रिपोर्ट आई CNBC की जिसमें ग्रोथ रेट टेस्ला मतलब एलन मस्क का 110% है और अडानी का 123%। ग्रोथ करने के चांसेस की कौन सी कंपनी कितना ग्रो करेगी और वो ग्लोबल रैंकिंग है, वो ग्लोबल रैंकिंग में अडानी दूसरे नंबर पे। हाँ ये बता रहा है कि अडानी फ्यूचर में 132% की रफ्तार से ग्रो करने वाले हैं। ये दुनिया को मैसेज है 123 इस कंपनी में पैसा लगाने में फायदा है। यहां हमने अगर शेयर में पैसा लगाया तो हमारा शेयर 122% बढ़ेगा। यही कारण धड़धड़ हिंडनबर्ग के ट्वीट्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब वो तो अच्छा बताइए हिंडनबर्ग क्या है? एक यहूदी कंपनी, यहूदी है। सोरोस कौन? यहूदी। रॉकफेलर कौन? ज्यूज। एक और कंपनी है जिसके बारे में आप लोग बहुत कम जानते हैं, नाम है ब्लैकस्टोन। लैरी फ्लिंट इसके मालिक थे। वो दुनिया भर में जितने भी देश हैं 130 देशों में, और कहा जा सकता है उस पता है कितने का वो एसेट मैनेज कर रहा है वो कंपनी, अबव $10 trillion। आज भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है? 3 trillion, और एक कंपनी कितना मैनेज कर रही है एसेट? 10 trillion, ढाई गुना ज्यादा। इस तरह की कंपनियां एसेट्स अमेरिका ने बना रखे हैं, इसलिए उसका दबदबा है। भारत को बनाने हैं अगर दबदबा कायम रखना है तो। चाइना भी इस रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाइना भी इस तरह की कंपनी बना रहे हैं। ये ट्रिलियन सऊदी अरब अरामको वगैरह जो कंपनी है वो इस तरह, इसलिए तो इन लोग की पूछ है, इन लोग की इज्जत है दुनिया में, और इसी चीज को वो हार्म करना चाहते हैं। अडानी से दुश्मनी नहीं है, उनकी दुश्मनी इस बात से है कि हमने तो सिर्फ 1 billion लोग छोड़ दिए थे कि आओ अंग्रेजों इनको खिलाओ भी, यहां पे सामान भी बेचो, पैसे भी कमाओ। ये खुद से कैसे कर सकते हैं, फिर हमारे मालिकों का क्या होगा? ये लड़ाई है वहां चल रही है, और इसलिए कभी अमेरिका का कोई अखबार छाप देगा तो पता चला कोई, कभी हिंडनबर्ग आ जाएगा तो किसी से छपवा लेंगे दूसरी जगह से, बोलेंगे ये देखो अंग्रेजों ने कहा है तो सही कहा हो। लेकिन किंतु परंतु नहीं दिखाते उसमें जो किंतु परंतु लिखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो चीजें छुपा लेते हैं। नहीं देखिए उनका अपना एजेंडा है, वो वही एजेंडा में समझने की कोशिश कर रहा था, पैसे कमाना चाहते हैं। शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जी वो, तो पता चल गया कि किसी अब मैं आसान शब्द नहीं, हिंडनबर्ग को अगर मैं छोड़ दूं और हिंडनबर्ग को भी साथ रखूं, बहुत सारे हिंडनबर्ग, जोर सोरोस, डीप स्टेट जो है, तमाम ब्लैकस्टोन जैसी कंपनी आपने नाम गिनवाए, ग्लोबलिस्ट है, ग्लोबलिस्ट ग्लोबलाइज जो है विश्व स्तर पर, क्या कुछ एजेंडा है इनका? ग्लोबलिस्ट क्या करते हैं पता है, वो कहीं सरकार बदल के रेजिम चेंज करके
पैसे कमाते हैं, वो कहीं का मार्केट क्रैश करवा के पैसे कमाते हैं। लेमेंस ब्रदर्स का आपने नाम सुना होगा, 2008 में वो क्राइसिस आया था, दुनिया में मंदी छाई थी, 23% ग्रोथ रेट ब्लैकस्टोन का था, जब दुनिया डूब रही थी तो उससे फायदा कमा रहा था, मार्केट क्रैश करवाते हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन पे कई तरह के आरोप हैं कि बढ़िया बढ़िया इकोनॉमी का मार्केट क्रैश करवा दिया, फिर वहां से पैसे प्रॉफिट निकाला उसने। तो ये खेल है, कॉरपोरेट खेल समझना होगा। आज उनकी समस्या, किसी एक मुकेश अंबानी अडानी से उनकी समस्या ये है कि भारतीय आत्मनिर्भर भारत की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कॉरपोरेट वार जो वॉर जो है ये भारत की चौखट पर किस हद तक पहले था, भारत के भारत कंपनी या फिर भारत में जो काम करे उनसे, अब है ये ग्लोबल एक्वायर एक्विजिशंस। अगर मैं जाके अमेरिका की कोई कंपनी खरीद लेता हूँ, ब्रिटेन की कोई कंपनी खरीद लेता हूँ, दुनिया में मेरा दबदबा बढ़ेगा। इस तरह के वॉर, इसलिए ग्लोबलिस्ट परेशान है कि हमने जो अपना 10-12 लोगों ने मिलकर पूरी दुनिया को जो नचाना सीखा था, अब इसमें अदर्स प्लेयर्स आ रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो चारों तरफ से जो है समस्या, अटैक होगा। शुरुआत है, झगड़ा बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे, चलता रहेगा। तो जिस तरीके की हमने चर्चा की, कॉरपोरेट वॉर में इस वक्त दुनिया फंसी हुई है, भारत की चौखट पर भी वो दस्तक दे चुका है, भले ही अडानी के जरिए हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश की हो, लेकिन वो कोशिश 2023 में तो कामयाब रही, उसके बाद से उसने कई ट्वीट्स किए, कई तरीके की रिपोर्ट्स फिर दी, या फिर स्विस बैंक में पैसा फंसने की बात कही, कई तरीके के आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए अडानी ग्रुप पर, लेकिन अडानी ग्रुप हर बार उभर कर सामने आया और दुगनी ताकत से आया। आज अडानी ग्रुप उससे ज़्यादा कमाई कर चुका है जो उसने खोया था, आधे से ज़्यादा अपना उसने संपत्ति अडानी ग्रुप ने खो दिया था। लेकिन ये कॉरपोरेट वॉर है, इसे समझने की ज़रूरत है, और इसमें बिना फंसे अपना देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती रहे, उस पर ध्यान दिया जाए। लास्ट वर्ड, कॉरपोरेट वॉर से ज़्यादा प्रॉपर रहेगा कॉमर्स वॉर। दुनिया में जंग सिर्फ हथियार तोप और फाइटर प्लेन से नहीं होते, ये नैरेटिव से भी होती है, पैसे से भी होती है। फाइनेंस की लड़ाई है, कॉमर्स की लड़ाई है, जो कि और फायर्स होती है, बहुत कठिन लड़ाई है। दुनिया नहीं चाहती कि हिंदुस्तान उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जिन ऊंचाइयों पर वो बैठे हैं। अब भारत ऊंचाई पर जाएगा तो किसी ना किसी का स्थान तो नीचे होगा ही। तो बाकी चर्चा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, कोई सवाल अगर आपका हो तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, नमस्कार।